दोस्तों आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ये सीरीज की तीसरी वीडियो है आफ्टर गुजरात महाराष्ट्र। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है और हमने काफी रिसर्च के बाद इस वीडियो को कंप्लीट किया है। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे और अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर साझा करें। उत्तर प्रदेश वह धरती है जहाँ पे दुनिया का सातवां अजूबा मौजूद है, ताजमहल आगरा, और साथ ही ये भारत की आइकॉनिक बिल्डिंग भी है। इसके साथ ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और ये वो प्रदेश है जहाँ पर दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक वाराणसी शहर स्थित है और ये भारत का सबसे प्राचीन शहर है। इसके साथ ही जिस तरह दुनिया का सबसे पवित्र शहर माना जाता है मुस्लिम के लिए मक्का शहर, उस तरीके से दुनिया का सबसे पवित्र शहर माना जाता है हिंदुओं के लिए वाराणसी शहर, और ये भारत की स्पिरिचुअल कैपिटल भी है। उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल का आयोजन होता है जिसे कुंभ मेला प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेला प्रयागराज वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग भी है। साथ ही उत्तर प्रदेश वह धरती है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ और भगवान राम की नगरी अयोध्या मौजूद है। ये वह धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और साथ ही जहां पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता, मथुरा वृंदावन। साथ ही माता श्री राधा का जन्म भी मथुरा में ही हुआ है, बरसाना में। उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहां बौद्ध धर्म का पवित्र शहर सारनाथ और कुशीनगर मौजूद है। आपको बता दें कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया। बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जिनमें से दो उत्तर प्रदेश में स्थित है, सारनाथ और कुशीनगर। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। आपको बता दें कि भारत में 14 प्रधानमंत्री में से 7 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए और वो भी एकमात्र शहर प्रयागराज ने दिए। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हो या फिर भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री हो, वो सभी प्रयागराज इलाहाबाद से ही थी। दुनिया की सबसे ऊंची टेम्पल, दुनिया की सबसे ऊंची मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। आपको बता दें एशिया का सबसे बड़ा पार्क भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है जिसे जनेश्वर मिश्र पार्क के नाम से जाना जाता है। और साथ ही भारत इंडिया की सेकंड सबसे ऊंची बिल्डिंग यूपी के नोएडा शहर में है, सुपर टेक सुपरनोवा स्पायरा के नाम से। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, जो कि 1.3 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। उत्तर प्रदेश ने बॉलीवुड को बहुत सारे सुपरस्टार और प्रोमिनेंट एक्टर एंड एक्ट्रेस भी दिए जिनमें बॉलीवुड के महानायक, सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज उनका जन्म स्थान, उनकी कर्मभूमि रही है। इसके साथ ही तिग्मांशु धूलिया भी प्रयागराज से ही हैं, वो एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, साथ ही एक्टर भी हैं। अनुष्का शर्मा जो कि बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, अयोध्या से बिलोंग करती हैं, उनका जन्म अयोध्या में हुआ है। नसीरुद्दीन शाह जो कि बाराबंकी से बिलोंग करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द बॉलीवुड राजपाल यादव जो कि उत्तर प्रदेश बिलोंग करते हैं। इंडिया की क्रश कहे जाने वाली दिशा पटानी जिनका बरेली में जन्म हुआ और पढ़ाई उनकी लखनऊ के एमिटी कैंपस में हुआ। अनुराग कश्यप जो कि गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश ने भारत को बेस्ट क्रिकेट प्लेयर भी दिए जिनमें सुरेश रैना जो कि गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, भुवनेश्वर कुमार जो कि मेरठ से बिलोंग करते हैं, मोहम्मद कैफ प्रयागराज, पीयूष चावला अलीगढ़। ये सभी जो क्रिकेट के प्लेयर हैं वो सभी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और भी बहुत सारे हैं, मैं डीप में नहीं जाऊंगा। एशिया की लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कैंपस एरिया यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, BHU, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा का भी बहुत ही बड़ा केंद्र है। आपको बता दें भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से यहाँ पर मौजूद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, ये एजुकेशन के हब है। और साथ ही आपको बता दें कोचिंग सिटी प्रयागराज को कहा जाता है। अगर आपको ISPCS की प्रिपरेशन करना है तो इंडिया में सेकेंड रैंक पर आता है प्रयागराज आफ्टर दिल्ली। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैनेजमेंट कॉलेजेस में से यहाँ पर मौजूद है IIT कानपुर, IIT BHU वाराणसी और NIT प्रयागराज। मैनेजमेंट के फील्ड में IIM लखनऊ, ये भारत के टॉप 10 और टॉप 15 में इनकी रैंक आती है। इसके साथ ही मेडिकल और हॉस्पिटल के क्षेत्र में यहाँ पर एम्स कॉलेज और हॉस्पिटल मौजूद है, एम्स लखनऊ, एम्स रायबरेली, एम्स वाराणसी। इसके साथ ही ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है एम्स
गोरखपुर। आने वाले समय में यहाँ पे एम्स की संख्या 4 हो जाएगी। इंडिया के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो ज्यादातर आपको नोएडा में मिलेंगे। मीन्स कि नोएडा एजुकेशन का बहुत ही बड़ा हब है। नोएडा का ग्रेटर नोएडा, जिसे एजुकेशन सिटी कहा जाता है, वहां पर एजुकेशन के लिए अलग से पार्क है। मीन्स कि नॉलेज पार्क को आपको मिल जाएंगे 1 से लेकर 5 तक। वहीं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक स्तंभ है, ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ के अशोक लाट से लिया गया है। एशिया की सबसे बड़ी मार्शलिंग यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय रेलवे स्टेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। गाजियाबाद का हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पूरे इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा एयरबेस है। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे हाईवे उत्तर प्रदेश में है, आगरा से लखनऊ के बीच। इसके साथ ही भारत का सबसे हाईएस्ट दरवाजा बुलंद दरवाजा है, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। अलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि प्रयागराज में स्थित है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पर एक्सप्रेस वेज ऑपरेशनल 5 है। आपको बता दें, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे हाईवे भी उत्तर प्रदेश में है, और आने वाले समय में पूरे एशिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे हाईवे भी उत्तर प्रदेश में होगा। आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेस वे के नाम से उत्तर प्रदेश में बन रहा है एशिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे हाईवे, जो कि मेरठ से प्रयागराज के बीच में होने वाला है। इसके साथ ही भारत की सबसे चौड़ी एक्सप्रेस वे हाईवे भी उत्तर प्रदेश में है, जो कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे हाईवे, जो कि 14 लेन की है। और आपको बता दें, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 9 एक्सप्रेस वे हाईवेज होंगे। यहाँ पर 5 इस टाइम ऑपरेशनल है और 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हाईवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हाईवे, इसके साथ ही प्रयागराज बलिया एक्सप्रेस वे हाईवे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। जी हाँ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ के टूरिज्म सेक्टर के बारे में। उत्तर प्रदेश टूरिज्म के लिहाज से एक संपन्न राज्य है। उत्तर प्रदेश का टूरिज्म सेक्टर इतना बड़ा है कि इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। आपको बता दें, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और आगरा का फतेहपुर सीकरी, ये तीनों डेस्टिनेशन यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का कुंभ मेला, जो कि प्रयागराज में लगता है, ये भी दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश का टूरिज्म कितना बड़ा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इपिक रामायण के भी शहर मौजूद हैं, यहाँ पर इपिक महाभारत के शहर मौजूद हैं, यहाँ पर प्राचीनतम शहरों में से एक वाराणसी प्रयागराज स्थित है, यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रमुख शहर सारनाथ, कुशीनगर और कौशाम्बी भी मौजूद हैं। गौतम बुद्ध ने अंतिम सांसें अपनी कुशीनगर में ली। इसके साथ ही ये वो प्रदेश है जहां पर मुगल साम्राज्य का गढ़ आगरा, फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद प्रयागराज में रहा। यहाँ पर गोकुल भी है, बरसाना भी है, वृंदावन भी है, हस्तिनापुर भी है, अयोध्या भी है, प्रयागराज भी है, चित्रकूट भी है। उत्तर प्रदेश जैन का भी बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है। आपको ये भी बता दें, अगर हम यहाँ के टूरिज्म सेक्टर के किसी एक शहर को भी कवर करेंगे तो मुझे 5 से 7 मिनट देना पड़ेगा। अगर हम आगरा की बात करेंगे तो मुझे वाराणसी को कवर करना पड़ेगा। अगर हम लखनऊ के टूरिज्म को कवर करेंगे तो मुझे प्रयागराज को कवर करना पड़ेगा। गोरखपुर को कवर करेंगे तो झांसी के टूरिज्म को कवर करना पड़ेगा। सारनाथ के टूरिज्म को कवर करेंगे तो कुशीनगर को कवर करना पड़ेगा। मथुरा को कवर करेंगे तो मुझे अयोध्या को कवर करना पड़ेगा। चित्रकूट को कवर करेंगे तो मुझे मिर्जापुर को कवर करना पड़ेगा। मेरठ को कवर करेंगे तो गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर को कवर करना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम हस्तिनापुर को कवर करेंगे तो गोकुल बरसाना को भी मुझे कवर करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे श्रावस्ती भी मौजूद है, मुक्तेश्वर भी मौजूद है, पीलीभीत भी मौजूद है, बेटूर भी है और कौशाम्बी भी है। तो यहाँ पर टूरिज्म को हम कवर नहीं करेंगे। आप मुझे कमेंट करिए, हम अलग से एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर बना सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी के बारे में। उत्तर प्रदेश की जीडीपी इंडिया में 5th रैंक पे है। आपको बता दें कि यहाँ पर गेहूं, गन्ना, चावल, सब्जी, दाल, ये सब में उत्तर प्रदेश लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है। गेहूं, गन्ना, दाल में इंडिया 1st रैंक पर है, और वहीं चावल, जौ, सब्जियों में 2nd रैंक पर है, 2nd पोजीशन पे है इंडिया में। उत्तर प्रदेश
इंडस्ट्रियलाइज मीन्स ये औद्योगिकरण में इंडिया में फोर्थ पोजीशन पे है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का नोएडा सॉफ्टवेयर कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल प्लांट का हब है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है कानपुर। आपको बता दें दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सैमसंग के द्वारा स्थापित किया गया है, वो भी उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है। आने वाले समय में वर्ल्ड की 30% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश में होगा और वो भी अकेले नोएडा में होने वाला है। कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया का लेदर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा बादशाह है कानपुर शहर। इसके साथ ही कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी बहुत ही बड़ा हब है, इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। कानपुर लेदर के साथ फर्टिलाइजर, केमिकल, आयरन, स्टील, डिटर्जेंट, फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस, टेक्सटाइल, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, पावर एंड ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। मीन्स कि यहाँ पे इन सब के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के गजरौला अमरोहा में भी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, ड्रग की जायंट प्लांट मौजूद है। उन्नाव जो कि कानपुर के पास में है, यहाँ पे भी जायंट मैन्युफैक्चरिंग का हब है। इसके साथ ही मथुरा जाना जाता है अपने पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए। वहीं मिर्जापुर भदोही अपने कारपेट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अलीगढ़ इकलौता एक शहर है जो कि लॉक का बादशाह है, अलीगढ़ शहर। फिरोजाबाद ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है ग्लास और बैंगल के लिए। वहीं दोस्तों वाराणसी का हैंडलूम और बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में फेमस है। बनारसी साड़ी के लिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी इस बात को जानते हैं। बरेली फेमस है अपने हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। वहीं दोस्तों मेरठ अपने स्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, इसे स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही मेरठ फेमस है मेडिकल सेक्टर, शुगर मिल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद अपने पीतल इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपको बता दें इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। तो वहीं राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ का चिकनकारी की जो नायाब शिल्प होता है वो पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान है और पूरी दुनिया में ये खास मुकाम रखता है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग का देश का सबसे बड़ा हब होगा। यहाँ पे वर्ल्ड की जायंट कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और साथ ही चाइना से पलायन करने वाली सभी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उनके लिए प्रोमिनेंट लोकेशन है उत्तर प्रदेश।